हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक्स ऑल अबाउट एग्जाम्स। यहां मिलती है आपको गवर्नमेंट एग्जाम से लेटेस्ट सारी जानकारी। पहले तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स उन सभी स्टूडेंट्स को जो एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट जिनका फर्स्ट टाइम एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम पिछले कुछ दिनों से एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर कटअप और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो बनाते आ रहे हैं। यह वीडियो बनाने का फ्रेंड्स सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। यानी आप एग्जाम देने जाने वाले हैं या घर से निकल गए हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है एग्जाम देते टाइम और किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है कि आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल कर एक बार जरूर देखें। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बातें हो जो इसमें कुछ ऐसी बातें हो जिसको आप फॉलो नहीं करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना लेते हुए ज़्यादा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको लास्ट टाइम में कौन कौन सा टिप्स फॉलो करना चाहिए। उससे पहले फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां आपको स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल मुफ्त मिलती है और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो पहला टिप्स है फ्रेंड्स, अपना बैग रेडी कर ले। यानी पहले आपको अपना बैग रेडी क्यों करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको उसमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट, मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तो वो सारा कुछ रेडी कर लीजिएगा। और एक दिन पहले करने का इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप पहले से करके रखेंगे तो हो सकता है कुछ आप भूल रहे हो, तो फिर से उसको आप चेक करके उसमें रख सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड टीयर 2 के लिए आप अपना निकलवा लेना है प्रिंट आउट। और कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स दो प्रिंट आउट निकाल ले, हो सकता है एक मिसिंग हो जाए तो एक यूज हो सकता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे कोई ठीक नहीं है आपको वहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन मिले या ना मिले। हो सकता है आउटर एरिया में मिल जाए तो आप नहीं करा सकते प्रिंट आउट, इसलिए पहले से उसको रेडी करके रख लें। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दो नंबर में पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोज आपको रख लेना है, वो भी दो पीस। ठीक है, दो आप कलर फोटो रख लीजिएगा और ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ठीक है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें होना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको ये एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ था कि डेट ऑफ बर्थ आपका मैच करना चाहिए और ऐसा आईडी प्रूफ आप लीजिएगा। ठीक है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, तो कोशिश की उसमें डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा, वो भी डेट के साथ। ठीक है, सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा, उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, डेट के साथ आप डेट ऑफ बर्थ वाला कोई आईडी प्रूफ अपना ले लीजिएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ आधार पेन। किसी किसी सेंटर में फ्रेंड्स कभी कभी फोटोकॉपी रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो लोग डिमांड कर देते हैं, तो आप एक फोटोकॉपी उसका निकाल के अपने साथ ले जाइएगा। ऐसे टेंशन नहीं है, आप नहीं भी ले जाइएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है पेन ब्लू या ब्लैक, आप एक पेन ले लीजिएगा अपने पास, क्योंकि इस बार एडमिट कार्ड में लिखा है कि आप पेन अपना लेके जाइए। ठीक है, पिछले बार मैंने दिया था डिस्क्रिप्टिव तो वहाँ पे पेन वो लोग ही दिए थे, प्रोवाइड कराए थे, लेकिन इस बार आप एक पेन रख लीजिएगा। आप ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन रख सकते हैं, आप ब्लू रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज बॉल पेन, यानी आपको बॉल पेन यूज करना है, जेल पेन लेके नहीं जाना है आपको, यानी बॉल पेन कोई ले लीजिएगा अच्छा सा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख रहे हैं एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव 2019 फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं जो आपके द्वारा ही पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी यूजफुल होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं टाइम की, टाइमिंग क्या होनी चाहिए और आपको कब पहुंचना है। तो फ्रेंड्स रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 9:30 से 10:30, यानी आपको 9:30 से 10:30 के बीच रिपोर्टिंग वहां पे करनी है। ठीक है, और एग्जाम टाइम जो आपको पता है फ्रेंड्स 11:30 से 11:30 तक एग्जाम टाइमिंग है और 40 मिनट फॉर पीएच कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स हम आपको बोलेंगे कि बताना चाहूंगा कि आप कम से कम आधे घंटे पहले, अपने रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले, यानी आप 9 बजे तक सेंटर पहुंच जाइए। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव, यानी बहुत स्टूडेंट्स जब एग्जाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव का तो उनका फोकस रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करा लेता हूँ, क्योंकि पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपका जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं पहले रिजर्व कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ, 20 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी आप 20 मार्क्स लाते हैं अगर आउट ऑफ 50 तो आप क्वालिफाई करेंगे। और फ्रेंड्स यदि हम बात करें अनरिजर्व कैंडिडेट यानी ओबीसी एसटी एससी ये सबका, तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 17.5, यानी आपको आउट ऑफ 50 17.5 यानी 35% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एग्जाम दीजिए कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास हो सके। यानी आपको बता दूं फ्रेंड्स ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आप ये मत सोचिए कि हम आउट ऑफ  50 लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरिट जो बनने वाला है वो पेपर 1 के हिसाब से ही बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना पेपर अच्छे से दें। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स,
और नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट्स डाउट अभी भी कंफ्यूज हैं कि ए से लिखे या लेटर लिखे, ठीक है। तो उस पर कुछ मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आपका जो लेटर है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका मार्किंग होता है, यानी आप लेटर में फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आप लेटर तो पहले भी लिख चुके होंगे, तो देखते हैं फॉर्मेटिंग काफी करना पड़ता है उसमें, तो उसका मार्क्स इसमें दिया जाता है। और एसे की बात करें तो एसे मिलता है कंटेंट के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स मिलता है। फ्रेंड्स, आपको एसे के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप मतलब एसे की तैयारी कर चुके हैं अपने लिए, यानी कुछ एसे आप कंप्लीट कर चुके हैं कि मैं अगर ये आया तो इस टॉपिक पे मैं एसे लिखूंगा, तो अगर वैसा आता है तो आप जरूर लिखिए एसे। अगर नहीं आता है तो आप लेटर पे जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स लेटर में आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर्मेटिंग कीजिए और वहां पे टॉपिक दिया रहता है उस हिसाब से आप लिखे। लेकिन ऐसे में अगर आप आपका नॉन टॉपिक आ जाता है और आप उस पर लिखने जा रहे हैं, तो हो सकता है कंटेंट आपका बढ़िया ना हो सके, तो जिससे नंबर आपको ना मिले, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जो तैयारी उतनी अच्छी से नहीं हो पाए, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा आप लेटर पे जाइए, लेटर आप लिख सकते हैं, आपने पहले भी लेटर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लैंग्वेज डाउट है बहुत स्टूडेंट्स का कि लैंग्वेज कौन सा यूज करे। तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था कि लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज हमारा शेड्यूल्ड है। और बात करूँ इंग्लिश की और हिंदी की, तो आपको यूज सिंपल सेंटेंस विद सिंपल वर्ड, फोकस ऑन ग्रामर। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाह रहे हैं लेटर या फिर ऐसे जो भी, तो उसमें आपको ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको फोकस ऑन ग्रामर, यानी ग्रामर पे आपको फोकस करना होगा, आपको सिंपल सेंटेंस में अपना वाक्य लिखना होगा, क्योंकि जरूरी है फ्रेंड्स कि इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम मतलब कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, और उनको इजी टू हैंडल होना चाहिए, यानी उनको समझ में आना चाहिए, इसलिए आप सिंपल वर्ड यूज कीजिए। और बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी में फ्रेंड्स आपको हिंदी वर्ड फोकस ऑन पंचुएशन, यानी पंचुएशन पे आपको हिंदी में फोकस करना होगा। तो आप हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए वो आपका चॉइस है, आप जिस चीज जो चीज आपका स्ट्रॉन्ग हो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी पे लिखिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल में कुछ डिटेल्स आपको भरने पड़ते हैं, और उसके लिए बता देता हूँ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है आपका, ठीक है। फ्रंट पेज पे तो आपको यहाँ पे क्या क्या भरना है और किन किन सावधानी क्या क्या सावधानी बरतनी है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से सरबड़ी में गलती कर देते हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम जो है, नेम आपको अच्छे से नेम अपना भर लेना है, वो भी बोल्ड लेटर में, ठीक है फ्रेंड्स। और सारा सारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। और उसके नीचे रोल नंबर, आप रोल नंबर एडमिट कार्ड में जो निकाले हैं उसमें रोल नंबर होगा, उसको यहाँ पे आप इंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद टिकट नंबर, टिकट नंबर भी आप यहाँ पे इंटर कीजिए, और उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन देना है, आप दे दीजिएगा अच्छे से। और यहाँ लैंग्वेज, लैंग्वेज फ्रेंड्स आपको बता दूँ आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे आप दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ भरा रहेगा यहाँ पे, और टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दुविधा जो आप लोगों में देखने को मिलती है, बहुत सारे जन कमेंट करते हैं कि सेंडर्स नेम या सेंडर्स एड्रेस में क्या देना है। तो उसके लिए मैं स्पेशल आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स दे देता हूँ कि डोंट राइट योर पर्सनल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, एनीथिंग। यानी आपको, आपको बता दो फ्रेंड्स कि आपको अपने पेपर में ना आपका नाम इंक्लूड करना है ना आपका एड्रेस देना है, और यानी कुछ भी आपको वहां पे अपना पर्सनल डिटेल नहीं देना है, इसका ख्याल रखिएगा आप, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है कि आप पर्सनल डिटेल वहां पे दें। और अब बात कर लेते हैं इंटर सेंडर्स नेम एड्रेस इफ गिवेन। अगर वहां पे दिया हुआ है, यानी किसी को संबोधित करके नाम दिया गया है, तो आप वो दीजिए, बिल्कुल दीजिए, और दिया हुआ है तो ही लिखिए, ऐसे नहीं लिखिए। और नेक्स्ट देते हैं राइट एग्जाम हॉल एबीसी, यानी एग्जाम हॉल जैसे आपका सेंटर प्रयागराज पर आया है, तो आप एग्जाम हॉल प्रयागराज कोशिश कीजिए ना देने का, आप वहां पे एबीसी, एग्जाम हॉल एबीसी या एग्जाम हॉल क ख ग, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो क ख ग लिख सकते हैं, और आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। डिफरेंस अगर सेंडर्स नेम, सेंडर्स एड्रेस मेंशन नहीं किया गया है तो एबीसी लिखिएगा, ठीक है, हिंदी में क ख ग लिखिएगा, यही बताना था। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो राइट एग्जाम हॉल दिल्ली, इट विल बी ओके। अगर आप वहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम हॉल दिल्ली, यानी पहले मैंने एक कॉपी आपको दिखाया था जिसका आउट ऑफ 40 नंबर आया, 40 नंबर आया था 50 में से, तो उन्होंने लिखा था एग्जाम हॉल मुंबई, ठीक है, तो वो चल सकता है। आप यहाँ पे अगर लिख रहे हैं एग्जाम हॉल दिल्ली तो वो भी चलेगा, इसमें कोई आप डाउट नहीं कीजिए, क्योंकि दिल्ली पता ही है कैपिटल है, तो उतना टेंशन नहीं होता है, आप लिख सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अब बात कर ले फ्रेंड्स डेट,
राइट डेट इफ आर ऑप्टिंग फॉर लेटर, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लेटर, यानी फ्रेंड्स अगर आपको लेटर लिख रहे हैं तो उसमें कैसे डेट का फॉर्मेट होना चाहिए उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। बहुत से जेंट्स गलती करते हैं और क्या गलत है, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है उस पर बता देते हैं। ये आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि आप कहते हैं नंबर कैसे कम क्यों आता है, तो नंबर इसलिए कम आता है क्योंकि आपका फॉर्मेटिंग गलत होता है। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स करेक्ट फॉर्मेटिंग है, जैसे एग्जाम आपका है इस बार का 24 नवंबर को, तो आपको कैसे लिखना है 24 नवंबर, तो 14th नवंबर और यहाँ पे आपको कॉमा देना है उसका 2019। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है नवंबर 24 2019 या फिर कॉमा छोड़ मत दीजिएगा, ये है ओरिजिनल फॉर्मेट, यानी आपको इस टाइप से लिखना है, ये चलता है सही है। ठीक है, और रॉन्ग क्या होता है, तो अगर आप नवंबर 24 और फिर कॉमा देके 2019 लिखते हैं तो ये गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप डेट लिखना लिख रहे हैं तो सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिखिएगा। ठीक है, यानी लिखा है राइट डेट्स आफ्टर सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आप डेट लिखिएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आप हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम एग्जाम, फ्रॉम टीम एग्जाम स्टॉक्स, हमारे द्वारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अपना कैसा रिस्पॉन्स होता है आपके एग्जाम का और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा आके एग्जाम देने के बाद। और चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। धन्यवाद।